कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण कुंडली और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। उद्योगों के बंद होने के कारण वहां काम करने वाले श्रमिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है और वह पलायन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण सोनीपत के लोग दिल्ली जाने के लिए रोजाना 5 लाख का ईंधन बर्बाद कर रहे हैं। ढाबों के लिए विश्व प्रसिद्ध सोनीपत में 12 ढाबे तो बंद हो चुके हैं और 30 बंद होने की कागार पर हैं। आमजन बर्बादी की कागार पर पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में सोनीपत के पेट्रोल पंप मालिकों और WA फैक्ट्री मालिकों व राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदेल, सचिव विकास डॉक्टर ताराचंद, लीगल एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी समस्याओं व मांगों का चार्टर्ड मीडिया के समक्ष रखा। गौरतलब है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन का असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। आंदोलन के कारण पिछले 135 दिनों से कुंडली बॉर्डर पर जीटी रोड जाम है और इसके कारण दिल्ली आने वाले सोनीपत के लोगों को रोजाना 10 से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। इससे ईंधन के साथ साथ समय और धन की भी बर्बादी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस आंदोलन के कारण रोजाना सोनीपत के लोगों का 5 लाख रुपए से अधिक का ईंधन बर्बाद हो रहा है। आंदोलन के 135 दिनों में सोनीपत के लोग करीब 7.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ईंधन फूंक चुके हैं। बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक सोनीपत से रोजाना 50 से 60 हजार लोग दिल्ली आगमन करते हैं। लॉकडाउन से पहले ट्रेनों से जाने वाले दैनिक यात्री जिनके मासिक पास बने हुए थे वही 30 से 35 हजार के करीब थे। इसके अलावा बसें, कैब और अपने वाहनों से भी सैकड़ों लोग रोजाना दिल्ली आगमन करते हैं। ट्रेनें बंद होने के कारण ये लोग फिलहाल सड़क मार्ग से दिल्ली आगमन करते हैं। कुंडली बॉर्डर बंद होने के कारण इन वाहनों का नाहरा नाहरी या खरखोदा होकर दिल्ली आना पड़ रहा है। प्रेस के समक्ष रखी गई मांगों में बताया गया कि जीटी रोड की एक साइट अतिशीघ्र खोली जाएगी, पेट्रोल पंप मालिकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, सोनीपत में स्थित पीड़ित फैक्ट्री मालिकों को किसान आंदोलन के दिनों की टैक्स में रिबेट, उद्योगों में कच्चा माल पहुंच पाए इसका पुख्ता प्रबंध, मजदूरों का पलायन रोकने के प्रयास, मरीजों को अस्पताल समय से पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगू बॉर्डर करीब 135 दिन से बंद पड़ा है। आंदोलन के चलते वहां पर पूरे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के चलते राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच द्वारा मार्च से ही मुहिम चलाई जा रही है कि आंदोलन चलता रहे, किसान भाइयों का भी ज्यादा नुकसान ना हो। हमारी सरकार से भी अपील रहती है कि कम से कम एक साइड का रास्ता तो हमें दिया जाए ताकि हमारे वहाँ पर व्यापार चलते रहें, दुकानें खुली रहें, आम जनजीवन वहाँ से सामान्य हो सके। आज जो ये प्रेस वार्ता है इसी के बारे में की गई है। आगे का जो संबोधन है मंच के अध्यक्ष श्री हेमंत नांदेल जी आपको इस पूरी जानकारी देंगे। हेमंत, सभी प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि मंच के सचिव श्री विकास जी ने बताया कि मुख्य जो एजेंडा है वो बॉर्डर बंद जो है पिछले 135 दिन से उसके सिलसिले में यहाँ पे किया गया है। देखिए, पिछले 135 दिन से जब से, उससे ज़्यादा बल्कि सम हो चुका है जब से बॉर्डर बंद है, हमारे सोनीपत का तो आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंशियल लॉसेज जा रहे हैं, जॉब लॉसेज भी हो रही है, और जो वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं हमारे TDI के हो गए, अंसल के हो गए, उषा टावर्स और मैक साइट वगैरह जितने भी जो लोग रहते हैं, इवन जो ग्रामीण लोग हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, उन सब का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। और हमने भी काफ़ी प्रतीक्षा की कि भाई सरकार कुछ इस बारे में एक्शन ले और कहीं ना कहीं आम आदमी की तरफ ध्यान दिया जाए, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास भी नहीं किया गया और लोग इतने पूरी तरीके से परेशान चल रहे, तो ये सबसे एक विडंबना की बात है। और इसी के चलते राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने ये एक अभियान शुरू किया हुआ है कि भाई कम से कम, और कुछ नहीं तो सोनीपत का जितना भी एरिया है हमारा, आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, इवन जो नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास के सारे जो व्यक्ति हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनका जनजीवन थोड़ा सा सुचारू रूप से नॉर्मल हो पाए। बिजनेस भी लोगों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफ़र कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो सोनीपत को करीबन 150 करोड़ रुपए प्रतिदिन का फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ा लॉस है।
और इसके चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो अब सोनीपत से, कुंडली से, राई से, इनके इंडस्ट्रियल एरिया से उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। इसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि आज जो हम देख सकते हैं कि भाई एक फैक्ट्री अपने साथ बहुत सारी सारी चीज़ें अगर जाती है तो लेके चली जाती है, जिसके साथ स्किल्ड लेबर का भी ड्रेन होता है और उसके अलावा बहुत सारे मतलब जो रिसोर्सेज वो भी हमारे चले जाते हैं। हमने एक बात और भी ऑब्ज़र्व की है कि जो वहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो उनके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त दिक्कत है। आप देख सकते हैं रोज़ाना कम से कम 1 लाख आदमी सोनीपत और दिल्ली से अप डाउन करते हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो रास्ता पहले करीब आधे घंटे में वो तय करते थे, 45 मिनट तय करते थे, अब वो ढाई ढाई तीन तीन घंटे में तय होता है। ऊपर से जो अल्टरनेटिव रूट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं वो भी पूरी तरीके से सुचारू नहीं है, कभी वो बंद कर दिए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं, तो जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त है। आज हम यहाँ पर जो आए हैं वो भी मजबूर होके आए हैं कि जब कहीं किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और हमने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास भी किए हैं कि भाई कम से कम एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए और जनजीवन सामान्यतः पहुँच जाए, परंतु किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना देखते हुए एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से भी गुजर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि TDI के एस ब्लॉक में एक पी के दर्जी हैं जो रहते हैं और उनका वो एक कैंसर पेशेंट हैं, तो उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो मतलब ढंग से एक लॉन्ग रूट के ऊपर अपनी गाड़ी चलवा के बैठ के भी नहीं जा सकते, और जो अल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड किए गए वो गड्ढे वाले रास्ते हैं। तो पिछले 3-4 महीने से वो दिल्ली में ना जाके बल्कि टेलीफोनिकली जितने भी जो अपनी जो उनको दवाइयाँ वगैरह चेंज करानी होती हैं तो वो सब कुछ कर रहे हैं। इवन जाखोली में हमने जब जाके लोगों से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ का एक ग्रामीण व्यक्ति समय पे सुविधा ना मिलने के कारण वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। ये कितनी दुखद बात है कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी, जबकि दिल्ली बिल्कुल मुहाने के ऊपर और व्यक्ति अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर जा सकता है, इतनी समस्याएँ हो रही हैं। करीबन सोनीपत से हम देख सकते हैं कि 5,000 के आसपास विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुखर्जी नगर जाते हैं, जो अपना वहाँ पे कोचिंग वगैरह लेते हैं। इस बॉर्डर बंद की वजह से उनको भी बहुत दिक्कतें जा रही हैं। अब उनका हमने जैसे देखिए बातचीत करी, लगभग 1/4 रह गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका टाइम का भी वेस्ट हो रहा है, उनके एनर्जी का भी वेस्ट हो रहा है और फाइनेंशियल लॉस भी जा रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कितने तरह की समस्याएं इस बॉर्डर बंद होने की वजह से जा रही हैं। तो मैं एक सरवा साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और TDI किंग्सबरी के RWA के पदाधिकारी भी हैं, तो ये थोड़ा सा इस बारे में अपनी समस्याएं भी बता देंगे। सभी बंधुओं को नमस्कार। जैसे कि ये समस्या चालू है 135 दिन से, भाई किसानों की अपनी समस्या है, गवर्नमेंट की अपनी समस्या है, हमारी अपनी समस्या है। जैसे मोदी जी भी कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम यहाँ किसी विश्वास के और किसी उसके तहत ही आए हैं कि वो अपना कार्य करे, किसान गवर्नमेंट अपना कार्य करे। हम लोग मांग रहे हैं एक साइड का रास्ता जिससे कि हमारे बिजनेस और हमारा जो लोगों को खर्चे के लिए जो कमाते हैं लोग उनको जो चाहिए। ये मैं किंग्सबरी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, जिसके अंदर 2902 फ्लैट आते हैं, 14,000 के करीब वहाँ पे जो है ना लोग रहते हैं, 90% आबादी वहाँ पे जितनी है वो इंडस्ट्रीज में, कश्मीरी गेट में, चांदनी चौक में उधर जाने वाले हैं, जिनका सबका जो है ना बुरा हाल हो चुका है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी बीती हुई बात बताऊँगा। मेरा जो है ना मेन बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर मेन इन लोगों का धरना है वहाँ पर मेरी शॉप है, 50,000 रुपये मैं रेंट दे रहा हूँ, 3 बंदे हैं, 36,000 रुपये उनको सैलरी जा रही है। पिछले 4 महीने से 86,000 रुपया पर मंथ जो है ना मैं अपने घर से पे कर रहा हूँ, ना किराएदार किराया छोड़ने को तैयार है। लड़कों को बोलते हैं वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, इससे बढ़िया हम आत्महत्या कर ले, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया भी नौकरी नहीं दे रहा, हम भी निकाल दें वो लोग भी नहीं आ रहे। मेरे यहाँ पर मैं एसोसिएशन में हूँ तो मेरे यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, मेरे से बात भी करते हैं कि जी हमने रेंट पे दे रखा था, दिल्ली से जो बंदे आते थे वो वापस दिल्ली चले गए, हमारा रेंट वो हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस हम ले रहे हैं वहाँ पे। तो लोग कहते हैं जी हमारा मेंटेनेंस माफ़ कर दो, हमारा बिजली का बिल वो कर दो, तो एसोसिएशन ने कहाँ से करेंगी।
तो मेरी तो विनती जो है ना गवर्नमेंट से यही है कि हमें एक साइड का रास्ता दे दे, हमें किसानों से कोई वो दिक्कत नहीं है। किसान ने अपनी मांगे माने, वो किसानों का काम है, गवर्नमेंट ने क्या देना है वो गवर्नमेंट का काम है। हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं राष्ट्रवादी मंच से जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि आम लोगों का जो जनजीवन है अधिकार, उनको अगर प्रोटेक्ट करने का अधिकार रोड के ऊपर है तो हम लोगों को रास्ता लेने का अधिकार है और हम अपना रास्ता मांग रहे हैं। हमें किसी ने प्रोटेक्ट से कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक साइड का रोड क्लियर करके दिया जाए, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो मेरे वर्ड पूरी मीडिया बेशक बार बार देखा है, मैं कति ओपन बोल रहा हूँ, आने वाले मई के एंड तक सोनीपत एरिया में अगर आत्महत्याएं शुरू ना हो जाएं, भूखे मरने की नौबत लोगों की आ चुकी है, वो भूखे लोग आत्महत्या करेंगे, जिनमें से एक सामने आपके मैं भी खड़ा हूँ, 86,000 रुपये हर महीने मैं भी नहीं दे सकता। मेरा यंग लड़का मैंने बिजनेस में डाला था, दिल्ली में जो काम करते हैं वहाँ पे जो है ना लेबर नहीं जा पा रही, वहाँ से सामान नहीं मिल रहा, यहाँ दुकान नहीं खोल रहे, तो आत्महत्या लड़का करे या मैं करूँ, ये कगार हर घर के अंदर आनी है। ये नहीं है कि मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 100 में से 98 घरों में ये कंडीशन मई के बाद चालू हो जाएगी, हर आदमी परेशान है। प्रोटेक्ट गवर्नमेंट करे, कुछ भी करे, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, खट्टर जी से हमारी रिक्वेस्ट है, किसानों से भी रिक्वेस्ट है, हम तुम्हारे खिलाफ़ नहीं है भाई, हम खिलाफ हैं तो हमारे को रास्ता दे दो, आप बैठो, आपको जो मदद चाहिएगी वो मदद हम लोग भी करेंगे, हम आप लोगों की मदद भी करेंगे, प्रशासन की भी मदद करेंगे, किसानों की भी मदद करेंगे। लेकिन आम जो आदमी है, जो आज अपनी रोटी के लिए जिसको लाले पड़ गए हैं, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और चीज़ें बंद हो गई हैं, मेरे पास 2902 फ्लैट है जिनका मैं वो हूँ प्रधान, आज 2902 में से अगर कोई मीडिया आना चाहे तो मेरे जो है ना किंग सबरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुंडली वो आ सकता है, मैं वहाँ की हकीकत भी जो है ना चेक करा सकता हूँ। तो हमारा सिर्फ जो है ना हाथ जोड़ के सरकार से भी किसानों से भी एक यही प्रयास है कि भाई तुम अपना काम करो, हमें भी अपना काम करने के लिए रास्ता दे दो, हमें एक साइड का रास्ता दे दो, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। ये आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक जो है ना जानी चाहिए, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं है, ना गवर्नमेंट ना किसान, हमें नॉर्मल वो चाहिए। तो आप लोगों से यही है कि भाई आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और आम लोगों को थोड़ा सा रास्ता मिले जिससे कि आम जनजीवन सामान्य हो जाए। पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था, 1 साल लॉकडाउन ने निकाल दिए, 4 महीने से किसान, अब दोबारा से फिर लॉकडाउन आ रहा है तो बंदा क्या करेगा, घर में खाने को नहीं होगा, आत्महत्या करेगा, आत्महत्या का जिम्मेवार वो किसान भी बनेगा, वो प्रशासन भी बनेगा, वो सरकार भी बनेगी और वो सब बनेंगे जिनके पास खाने को नहीं है। अगर किसी की भी हत्या होती है तो उसका जिम्मेवार वो होगा। मैं इतना कह के वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्रशासन हमारी सुने और एक साइड का हम लोगों को रास्ता दे दे, बस धन्यवाद। हम तो कह ही नहीं रहे भाई साहब कि यहाँ पे किसानों की या किसी की बात, हमारा काम सिर्फ ये है कि भाई रास्ता बंद है और जिस भी वजह से, हम तो कह ही नहीं रहे, हमने तो हमारा हम तो सर ये कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या बॉर्डर खुलना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है, और किसानों की सारी मांगों को लेकर उनके स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए हमने अब तक काम किया है। आप हमारा जितने 1.5 महीने से जो भी हमने अभियान चलाया है, आप एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दे सकते जो किसी वर्ग या किसी समुदाय के पक्ष या विपक्ष में हो। यहाँ पे बात यह है कि आम आदमी जो है, किसान भी तो आम आदमी है, सरकार भी आम आदमी से बनती है। नहीं सर, हम तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अरे मेरी 1 रुपये की भी सेल नहीं हो रही, 4 महीने हो गए। मैंने किसानों को तो गलत नहीं बताया, मैंने तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करी है, किसानों से भी रिक्वेस्ट करी है कि एक रास्ता पूरा मिल जाए तो गाड़ी से सामान भी आ जाए, खरीदने वाले भी आ जाए। अब खरीदने वाला कोई बंदा नहीं आता, नरेला से सोनीपत से मेरी शॉप पर आने के लिए नरेला से 7 किलोमीटर है, सोनीपत से 12 किलोमीटर है। अगर आज मेरी शॉप पे जो है ना कोई भी अगर परचेज करने सोनीपत या नरेला से आता है तो 35 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, क्यों आएगा भाई मेरे पास? सरकार की किस नुमाइंदे से मिले, कोई डीसी से मिले? बिल्कुल सबसे मिले सर, ये बताएंगे उस बारे में। सर डीसी साहब से इस बारे में मुलाकात की, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने बल्कि एक कार्यक्रम करने के लिए भी उनसे परमिशन मांगी थी, वो कार्यक्रम करने की परमिशन हमें नहीं दी गई। उसके बाद हमने एक बाइक और कार यात्रा जागरूकता करने के लिए भी हमने परमिशन मांगी थी, जिसका लेटर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेटर है, हमने ये लेटर दिया था उनको और इसकी भी परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है और इसके पीछे रिप्रेजेंटेशन इन सब लोगों के हैं
जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड है वो सब लोग कहते हैं कि भाई आपके मंच के लोगों ने इकट्ठे होकर के कोई प्रतिनिधिमंडल ने सीएम साहब से मिलने की कोशिश की? सर, सबसे पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात होंगे ना, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि भाई हम अपनी बात रख पाएं, क्या मीटिंग करना कोई वो दिक्कत वाली बात थोड़ी। उसमें हम चाहते थे कि भाई हम सबको साथ लेके रिप्रेजेंटेशन से बात कर पाएं। और जो सर इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, ये देखिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लेटर पैड पे लिखित में दिया उन्होंने कि भाई हम लोग चाहते हैं कि एक तरफा रास्ता खोल दिया जाए। इसमें एक बात हम दोबारा से कहना चाहेंगे, किसान भी हमारे ही भाई हैं। इसमें यदि कोई ऐसी बात है कि भाई हमारा उनके प्रति कुछ वो है तो बिल्कुल गलत होगा। हम ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी अपनी मांगे अपने हिसाब से जायज़ हैं। सर, इसके बारे में हमारा प्रयास चल रहा है, जो मुलाकातों के दौर हैं वो भी चल रहे हैं। यदि अगले 15-20 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है तो हम या तो CM हरियाणा या फिर PMO में जाके अपने जितने भी प्रतिनिधिमंडल उन सब के साथ जाके, उसमें इंडस्ट्री, RWA, ग्रामीण सब कुछ आएगा, उन सब के साथ जाके डायरेक्टली मुलाकात करना चाहेंगे। हम अपनी समस्या से जो इतना परेशान हो चुके हैं, हम तो बताने के लिए आए हैं, तो मोदी जी और खट्टर साहब दोनों ही लोगों के नुमाइंदे, तो हम उनके साथ डायरेक्टली मिलकर अपनी बात बताना चाहेंगे। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।